ये चेक करो भाई, यहाँ पे ना सब कुछ रेड रेड कलर का है और हमारे साथ जो श्वेता है इनका ट्राउजर भी रेड कलर का है। तो मतलब लड़की को अच्छा लग रहा है कि, लेकिन वो फैमिली ने बोला कि आपको हमारी कसम है कि आपने बोला कि भाई उस लड़की को प्रपोज करो। भाई इतनी बड़ी बात तूने मेरे को बोल दी भाई, टोटली नहीं चल रहा है। ये देखो गाइस, पूरी बोलूंगा श्वेता को मेरे को थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, आप मेरा फोन पकड़ोगे? बोले चल 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 फिर आगे। यार मेरे हाथ से फोन गिर जाएगा यार, ये श्वेता पकड़ेगी मेरा फोन। फाइनली गाइस हमारे शेक आ चुके हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि चार गिलास जो है सेम है और एक जो है चॉकलेट वाला शेक है। यार मुझे ये बात समझ नहीं आई, चार व्हाइट ग्लास एक ब्राउन ग्लास, क्या चक्कर है इसमें? एक्चुअली जो चॉकलेट वाला शेक है ना, तो वो हमने लाया है श्वेता के लिए। तो गाइज आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेडिकल शॉप से। पहले तो मैंने ना कल वाला जो बैंडेज लगाई हुई हाथ को वो खोलनी है, क्योंकि ना उसमें दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा टाइट है। सो लास्ट वाले व्लॉग में जैसे देखा था, हमारी बाइक ना क्रैश हो गई थी, फिर मेरे को ना मतलब दर्द तो बहुत ही, रात को एक टैबलेट भी दी थी जो पेन किलर थी, तो वो मैंने खा ली थी, ठीक है। लेकिन अभी ना अंदर वाली साइड भी लगी है मेरे को, मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी तुम्हें, बाद में मतलब घर जाके जब दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये इस जगह वाले जो है, इसमें नाखून जो निकला हुआ है उसमें बहुत दर्द हो रही थी, तो पहले उसका मैंने सोचा ना यहाँ न्यू बैंडेज लगवा देंगे। और सेकंड जो मेन चीज थी वो ये बोल रहे हो कि भाई जिस लड़की के साथ आप मिले थे तो उसको जाके प्रपोज कर दो, यहाँ पे इतने सारे बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोले जा रहा है। लेकिन वो फैमिली ने बोला कि आपको हमारी कसम है कि आपने बोला कि भाई उस लड़की को प्रपोज करो। भाई इतनी बड़ी बात तूने मेरे को बोल दी, और सब ना वो सबने वो कमेंट टॉप पे ला दिया हुआ है। तो चलो भाई, अभी तो शुभम की बहन ने मतलब उसने बहन ही बनाया उसको, तो मतलब मैं अच्छा नहीं लगूंगा ऐसे प्रपोज एकदम से किसी को करते हुए। लेकिन फिर भी देखते हैं, तुमने बात बोली है तो इस बारे में सोचेंगे क्या होने वाला है। तो ये निकाल देते भाई यहाँ से। बस बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई ना तुम बिल्ली नहीं मारोगे, मतलब फैमिली मेंबर्स को छोड़ के भी कुछ लोगों ने भाई आज रोया, रो धो के बोलते भाई बिल्ली नहीं मारनी है तुझे, तू यूट्यूब क्विट कर दे। मैंने बोला ऐसे कैसे करूँ यार, ये तो हमारा करियर है, हमारी वो फैमिली है। सीधा बोलते करियर बस तुझे नहीं व्लॉगिंग करनी, छोड़ सब कुछ, छोड़ सब कुछ छोड़ दे, मतलब पढ़ाई शढ़ाई करो, आप IAS वगैरह बनो, तो ये व्लॉगिंग वगैरह से कुछ नहीं बनना। मैंने बोला ये नहीं मैं छोड़ सकता, गिर गिर के ही सीखता है इंसान, गिर गिर के सीखता है इंसान, क्या पता एक दिन ऐसा गिर गए भाई उठे ना कभी तो। ऐसा भी हो सकता है ना वो फैमिली। तो मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बोलते हैं भाई तुम स्टंट वगैरह नहीं मारो, तुम ऐसे ही ठीक हो। तो देखो भैया ने पूरी ये ना बैंडेज वगैरह लगा दी, अब इसको ना बस बांध रहे हैं हम यहाँ से। गाइस हमारी ड्रेसिंग ना हो चुकी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई हमारा जो इंश्योरेंस है ना वो मेरे नाम पे नहीं है। जिस बंदे से मैंने बाइक परचेज की थी ना अपनी RC 390, वो इंश्योरेंस ना उसके नाम पे ही रह गया था, RC मैंने ट्रांसफर कर दी है। मेन दिक्कत ये है कि हमें अब क्लेम नहीं मिलेगा भाई, पता नहीं अब कितना खर्चा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपना इंश्योरेंस ना अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दूं, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो फाइनली गाइस न्यू कपड़े वगैरह लगा दिए और मोटो व्लॉगिंग सेटअप अपना उठा दिया, क्योंकि हमने व्लॉग भी बनाएंगे साथ में। अभी सबसे पहले यहाँ से जा रहे हैं हम गांधीनगर के लिए, वहाँ अपना इंश्योरेंस जो है ना वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि जो बाइक हमारी है सेकंड हैंड है, तो अभी हाथ में दर्द है, तो मेरा कजिन जो है वो बाइक चला रहा है। सबसे पहले अपनी ना बाइक देखनी है हमने, क्योंकि वहां जंगल था भाई, जिस जगह में रात को बाइक को छोड़ दिया था उसका ना पूरा थ्रॉटल खराब हो गया। ये जो थ्रॉटल है ना भाई दे नहीं पा रहा था इंतखाब, उसने ना धक्का देके उसको आप उस जंगल में पहुंचा दिया हुआ है। भाई ये चीज लगती कहां पे, ये देख रहे हो क्या चीज बनाई हुई है ऊपर से नीचे तक, ड्रिल करने के लिए लगता है। किस चीज को ड्रिल करनी है भाई इतने बड़े से, देख रहे हो सामने ट्रैफिक वाले हैं भाई, एक ने पीछे हेलमेट वियर किया ही नहीं होता। ऐसे मेरे पीछे कोई था ना बंदा कल बैठा हुआ था, मेरा खड़े खड़े चलान कर दिया था भाई। कितने रुपए लिए थे ना आशिक हमसे ऑनलाइन? 1000 रुपीज का चलान कर दिया था भाई। अभी यही चीज ना सबसे ज्यादा मेरे को बुरी लगती है, फिर मैं सोचता हूँ कि यार हम ना पुलिस वालों के सामने रुकेंगे ही नहीं यार। रूल्स जो है ना सबके लिए सेम होने चाहिए भाई, ठीक है। चेक करो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना भाई, इसके अंदर वहाँ पे बाइक लगा के रखी है। मेरे को टेंशन हो रही है कि बाइक हमारी वहाँ है भी या नहीं है भाई, तो बड़ा डर सा लग रहा है। चलो चलते उसको देख रहे भाई क्या हालत है यार, ड्रीम की मेरा ना मन ही नहीं करता उसको ऐसे देखने में इस कंडीशन में। ठीक है हम अपनी बाइक के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन बाइक की कंडीशन ना बहुत ज्यादा खराब है अभी। यार देखो भाई थ्रॉटल भी काम नहीं कर रहा यार, पूरा निकल गया हुआ थ्रॉटल यार यहाँ से। यार गाइस भाई क्या हालत हो चुकी है बुरी, डर लग रहा है। क्यों बाइक की क्या हालत हुई है यार? मैं बड़ी मुश्किल से बचा, सच बात बोल रहा हूँ। बाइक ना टांगों से पूरी निकल गई मेरी, बुरी आगे से ना ये चीज भी पूरी, देखो ओ ये भी टूट गया, देख रहे हो पूरी डैमेज है पूरा यार, सब कुछ टूट चुका है यार, आगे से मीटर वगैरह सारा टूट चुका है। इसके लिए वो भी तोड़ दिया जो था थोड़ा वो, लेकिन अब वैसे टूटा हुआ था वाइजर पहले का, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है ना। इसका क्या हो सकता था यार, आपने क्यों तोड़ा भाई? इसको बुरा लगा, लड़की को बुरा लगा वाइजर क्यों टूट,
दो तीन दिन के लिए राइड करे, लेकिन ना मतलब आज इसकी हालत देख के ये सच में शॉक्ड हो गई है। मैं देख रहा हूँ इसको ना, ये बात ही नहीं कुछ कर रही है यार। देख रहा है शुभम किस तरीके की गिरी हो, तभी बोलती हूँ मैं कि धीरे चलाया करो यार। ये धीरे चला रहा था, बिल्ली मारने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बाइक निकल गई। इस बार जो सीखूंगा ना, या तो फिर बिल्ली स्कूल में जाऊंगा सीखने अच्छे से। क्यों मतलब कि ये जिस हिसाब से बाइक गिरी हुई है, इसके सच में आंसू आ रहे, देख रहे हैं? ये सच में रो रही है। ये क्या, ये तो सच में रो रही है गाइस, लड़की रो रही है भाई। बाइक टूट गई हुई यार, इमोशनल हो गई यार बाइक के लिए। मेरे लिए नहीं हुई है, बाइक के लिए। एक्चुअली हमने इसको गिफ्ट किया था ना उस दिन बाइक, लेकिन ना लड़कियों का दिल जो होता कमजोर होता है ना भाई। बाइक की हालत सच में देखने लायक नहीं है भाई। कैसे बुझाई तूने? ये धक्का देके लाई इसने, यहां तो धक्का देके लाई भाई। थ्रोटल ही नहीं चल रहा है, ये देखो गाइस, इसको थ्रोटल ऑटोमेटिक देख के बाइक को घर पे लगाऊंगा, मेरा घर यहीं नजदीक है भाई। इसका थ्रोटल को देखो क्या हो रहा है यार। गाइस अभी नीचे से हमने बाइक को ना ऊपर ला दिया अपने फ्रेंड के घर, तो यहाँ पे सेफली पार्क करके रखा हुआ है। फ्रेंड का घर देखो कितनी खूबसूरत जगह पे, काश मैं भी इस जगह रहता, लेकिन इधर मेन सीन ये है ना, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आता, बहुत कम जो है सिग्नल यहाँ पे आते हैं। हियर इज अवर वुल्फ, तो लेके चलते हैं इसको यहाँ से। अभी निकलते हैं यहाँ से भाई शिकारगा के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अपने जो फ्रेंड्स ना बोलते भाई तुम सेफ हो, तो आज ना तुम्हारी तरफ से कोई पार्टी बनती है। मैंने बोला चलो चलते हैं, कोई मतलब क्या हो सकता है, आज तो ऊपर से नवरात्रे भी हैं, साथ में हमारे रोजे हैं, लेकिन तुमसे सच बोल रहा हूँ आज मैंने रोजा नहीं रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं शिकारगा के लिए, एक होटल है वहाँ हम लंच वगैरह करेंगे। सोचता हूँ कि ना श्वेता मुझे देखे सिक्योर सा फील करे, ये ना मुझे देखा सोचती कि ये फ्लर्ट वगैरह करता है, तो हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं। हम ना बैठ के बात करेंगे, मैं बोलूंगा श्वेता को मेरे को थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, आप मेरा फोन पकड़ोगे? बोले चल 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 फिर आगे। गाइस मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ में फोन है, मेरे को पकड़ा नहीं जा रहा, तो मेरा फोन पकड़ोगे? यार मेरे हाथ से फोन गिर जाएगा यार, ये श्वेता पकड़ेगी मेरा फोन? मेरे हाथ से फोन ना गिर जाएगा, ये फोन पकड़ेगी श्वेता मेरा? गाइस मैंने फोन दी थी उसे, पकड़ लिया, देख रहे हो तुम? और फोन पकड़ लिया लड़की ने। चलिए गाइस हम पहुंच चुके हैं शिकारगा में। तो हाँ मेरे भी फास्ट चल रहे, लेकिन मैंने आज रखा नहीं है। क्या हाल है? बस ठीक, आप ठीक हो? ठीक है भाई, मजे में हो? किस चीज का वेट कर रही है गाइस? चल मैं देखती हूं ब्लॉगिंग कैसे हो। ब्लॉगिंग करने का शौक है? चलो मैं इनको सिखा दूंगा। शुभम आप ही सिखाते हो? नहीं मैंने इसलिए बोला कि मैं सोचा कुछ चीज अगर खुद को पता होती ना तो दूसरे को बता देना चाहिए। एक बात बताऊंगा, इसने ना जम्मू में इतने सारे मोटो ब्लॉगर पैदा किए, लेकिन सिर्फ वो तीन दिन रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। मेरे साथ कोई भी साथ नहीं रहता परमानेंट, पता होगा। ये चेक करो भाई, यहाँ पे ना सब कुछ रेड रेड कलर का है, और हमारे साथ जो श्वेता है इनका ट्राउजर भी रेड कलर का है। तो लो लड़की को अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ इस जगह पे। मेन जो है प्रॉब्लम वही है कि हम पुलिस वालों के लिए भाई यहाँ पे आए थे, क्योंकि ना सारे यहाँ बाइक्स वगैरह लिफ्ट हो रही है, दो तीन हमारे सामने कर दी उन्होंने लिफ्ट, और नीचे मिल भी रहे थे। मेन रीजन जो है हम इधर किस लिए आए वो है श्वेता। हम सोचे ना थोड़ा भाई लड़की तो फ्रैंक हो जाए ना हमारे साथ, क्या बोलता है? एक कमरे यहाँ पे बैठो आप, क्यों क्या आगे? अच्छा भाई आओ। और आपको पता है नहीं आप क्यों उठ रहे हो भाई? नहीं नहीं भैया आप इधर, मैं उधर बैठा। भाई ये कौन सी बात होगी भाई, मेरे इधर बैठेगा, मैं उधर बैठा। यार नहीं आप जबरदस्ती मुझे बिठा रहे हो। नहीं यार भाई मैं इधर बैठूंगा यार। एक कम करो आप ही आओ इधर। चीज पता है शोएब भाई का सबसे ज्यादा फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड तो रेड तो शोएब ने पूरी जैकेट में कहीं भी रेड लगाया। बाइक हमारी रेड है ना, वुल्फ हमारी रेड है। फाइनली गाइस हमारे शेक आ चुके हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि चार गिलास जो है सेम है, और एक जो है चॉकलेट वाला शेक है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मतलब यहाँ पे हम पांच बंदे हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो भी मैंने माना। चार व्हाइट ग्लास एक ब्राउन ग्लास, क्या चक्कर है इसमें? एक्चुअली जो चॉकलेट वाला शेक है ना, तो वो हमने लाया है श्वेता के लिए, स्पेशली लाया हुआ है। अब मुझे लगता है इनको ना फेवरेट होता, क्योंकि गर्ल्स का चॉकलेट वाला शेक होता, फेवरेट होता है। बट मैंने ऐसे गैस कर लिया, क्या पता मेरा गैस खराब भी निकल सकता है ना। बताइए बात, गैस भी निकल खराब भी निकल सकता है, गैस गैस होता है। मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है यार। इधर बोलो उधर बोलो, जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ बोलो। यही देखते हैं, चेक करते हैं ये कहाँ बोलती। तेरी तो बहन है ना, तेरे साथ ही बोल। भाई इसकी तो बहन है, इसके साथ तो बोलेगी क्या? भाई बहन वाला रिश्ता भाई पवित्र पाक रिश्ता होता है। हाँ तो फिर ये शेख जो है, अब राखी चाहिए थी। राखी भी बांधना स्टार्ट कर दे, इस टाइम जब रक्षाबंधन आएगा ना, अब तुम लेके आ रहे राखी, ठीक है? पक्का। तो भाई फिर ना पक्की वाली बहन बन जाएगी श्वेता, और अच्छा हो जाएगा, इसकी बहन बन जाएगी। तो चलो अभी हम शेख देते हैं श्वेता को, तो कैसा लगेगा इनको मुझे नहीं पता। और ऐसा तुम्हें अच्छा लगता नहीं लगता? मैंने गैस करके लाया हुआ, बस बताओ अच्छा लगता है। ये वनीला पियोगे ये वाला पियोगे, ये बताओ कौन सा पियोगे? तू क्यों ऐसे गन लेके बैठा? मैं डरा नहीं ना, अब बहन तो है, मुझे पता तेरी बहन है, लेकिन तू आंखें नहीं दिखा तू इसको। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है डर रही है। नहीं देखना, फ्लर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने शेक लाया था, अब बताओ ये शेक अच्छा है?
तुम्हें पसंद है इन दोनों में से कौन सा पियोगे बताओ? स्पेशल तो स्पेशली पियोगे ना, तो फाइनली जो है लड़की ने मान लिया चॉकलेट शेक के लिए। और साथ में जो दूसरी बात है, हम इस यूनिक जगह पे आज इतने टाइम के बाद आए और श्वेता को मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाया हुआ और साथ में मेरे साथ फ्रेंड भी है। अब नेक्स्ट टाइम तो कोई इसका मतलब फ्रेंड जो क्लोज होगा तो वो ही आएगा इस जगह पे, क्या बोलते हो? क्लोज फ्रेंड मतलब? मतलब जो दिल के बहुत क्लोज होता है ऐसा कुछ? बॉयफ्रेंड टाइप? बॉयफ्रेंड टाइप मतलब? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। ओ ओ भाई तो उस चीज का मजा। सुना तूने क्या बोला? सच में नहीं है। सुना तूने क्या बोला? क्या बोला इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ ठीक है, बार बार इस पे फ्लर्ट नहीं किया करो तुम, नहीं तो मेरे से पिट जाओगे तुम दोनों। मम्मी कसम नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। शोएब अगर इसने रिस्पॉन्स किया तो पहले इसको पीटूंगा उसके बाद तेरे को पीटूंगा। भाई जिस जिस लड़की का बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं होता ना उस लड़की को पटाने में मजा ही कुछ अलग आता है। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, एक यूनिवर्सल बात बोली थी ना कि मतलब सबके लिए अप्लाई होती है ना। बहुत डर तो है, इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा, देखो कितना बल्की है, मैं पतला सा हूँ मतलब मार देगा मेरे को कहीं। श्वेता तुम जाओगे मुझे इससे? ये ना ये बड़ा ऐसे मेरे को डरावना सा लगता है जब मैं ब्लॉग शूट करता हूँ ना, ऐसे कैमरे को गन की तरह पकड़ के रखता हूँ। ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करके ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये जो भी मोमेंट होता है ना मैं तुम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। कर रहे वो हमारी बाइक्स वहाँ पे लगी हुई है, साथ में अभी मैं तुम्हें एक बहुत स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ जो कि नीचे है यहाँ पे रेस्टोरेंट में ना। यहाँ पे पिजन है प्यारे प्यारे से, अंदर देख रहे हो तुम अभी ना, इनको हम फीड करेंगे यहाँ पे, फीड भी इनके लिए मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो आई थिंक ना इसमें वीट वगैरह रखी है इन्होंने, तो थोड़ा सा हम इसमें से लेते हैं और इनको डालते हैं क्योंकि भाई इन्होंने ना अभी बाहर निकाले हुए थे, खुद से आ जाते हैं भाई, उड़ के वापस आते हैं पता है, आधे ना आसमान में उड़ रहे, देख रहे हो ऊपर। आपको पता है हमारे घर भी पिजन है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हो भाई। तो अभी मेरा फ्रेंड ही राइड करेगा यार, मेरे को हाथ में लगी, मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ और मेरे को जिस चीज़ की टेंशन है वो अपनी RC 390 वो इसी के घर पे रहेगी। RC अपने घर रखोगे आप? अब हमारे पास ही रहेगी कल। कल हम लेके जाएंगे उसको यार शोरूम में, देखते कितना खर्चा आने वाला है यार। हम ऊपर से ना हमारी फैमिली मतलब मेरे यूट्यूब का इस महीने का जितना इनकम नहीं आया होगा जितना उसका खर्चा आने वाला है। तो भाई 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 होटल वाले को सारों की रिएक्शन नहीं ला दिया, बिल्ली मार रहे भाई होटल के अंदर। ऊपर लगा हुआ हमारा ड्रीम, बाय ड्रीम। जब कोई चीज दूर जाती है ना तुमसे तब उस चीज का एहसास होता है भाई, क्या बाइक होती है। और 390 चलाने का जो मजा है ना भाई, सच बात बोलता हूँ, एक वो जो रॉकेट है ना, पॉकेट रॉकेट बाइक है पता है तुम्हें। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, कल लेके जा रहे हैं इसको सर्विस स्टेशन।